हरता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। असुरात बलि की, असुरात बलि की, असुरात बलि की। हाँ गौरी पुत्र, किंतु वो मंथन आरंभ होते ही रुक भी गया। रुक गया? किंतु क्यों लंकेश? क्योंकि मंदार पर्वत ने अपना संतुलन खो दिया था। कैसे अनिष्ट है ये? मंदार पर्वत अपना संतुलन क्यों खो रहे हैं? देवताओं ने कैसा उपाय किया है, इसमें भी अवश्य असफल होंगे ये। देवताओं, तुमने जिस पर्वत का चुनाव किया है वो इस महान कार्य के लिए अयोग्य है। मेरे विचार से तुम्हें किसी दृढ़ और संतुलित पर्वत का चयन करना चाहिए था। मंदराचल पर्वत की दिव्यता और दृढ़ता पर संकेत मत करो असुरो। वो तो इसीलिए असंतुलित हो रहे हैं क्योंकि हम उन्हें स्थिर आधार प्रदान नहीं कर सके। इसका विचार तो पूर्व करना चाहिए था तुम देवताओं को। व्यर्थ में ही श्रम कराया हम असुरों से। जब प्रभु श्री हरि नारायण कूर्म अवतार लेकर मंदार पर्वत के आधार बने होंगे। देवताओं ने तो यदि मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु से सहायता की विनती की होती तो वो वहाँ पहुँचकर अपने हाथों से ही मंदार पर्वत की मथनी बनाकर स्वयं ही संपूर्ण सागर का मंथन कर देते। किंतु देवताओं ने तो श्री हरि नारायण पर आश्रित होने का निर्णय ले लिया और श्री हरि नारायण ने मंथन पूर्ण करने के स्थान पर कूर्म अवतार अर्थात एक दिव्य कछुए का रूप लेकर मंदार पर्वत को संतुलित भर ही किया। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, 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 हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु
प्रणाम प्रणाम प्रभु प्रणाम प्रभु। इन प्रयासों का क्या लाभ? देखो देवताओं, पर्वत तुम्हारी ओर झुकने जा रहा है। ये पर्वत तो हमारी ओर झुक रहा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। किया तब उसके उपरांत तो मंथन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई होगी ना लंकेश? हाँ गौरी पुत्र, किंतु जैसा ऋषि दुर्वासा ने कहा था, ये इतना सहज नहीं था। शीघ्र ही सागर मंथन की ये महान घटना एक भयावह दुर्घटना में परिवर्तित होने वाली थी, क्योंकि सागर मंथन से जो सर्वप्रथम उत्सर्जित हुआ था वो भीषण विष हलाहल था। विशेला श्याम मेघ सर्वत्र छा रहा हो, जो हमें अपने भीतर मिलने के लिए प्रकट हुआ हो। देवताओं, किस संकट में डाल दिया तुमने हमें? मंथन को ये तो ज्ञात हो हमें कि ये क्या है जो नागराज वासुकी के विष से भी अधिक विषैला है। हलाहल विष है ये, सर्वाधिक विनाशकारी। ये तो हमारा भाग्य कि विष का मेघ हमारी ओर नहीं बना रहा, किंतु जिस तीव्र गति से यह उत्पन्न हो रहा है, समस्त सृष्टि को अपने भीतर समाहित कर लेगा। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं, सर्वनाश हो जाएगा।
हलाहल विश्व में तो समूचे संसार को नष्ट करने की क्षमता थी, और किसी देवता में तो क्या, स्वयं श्री हरिनारायण में भी उसे संभालने का सामर्थ्य नहीं था। ऐसी विकट स्थिति में यदि कोई आशा शेष थी तो वो थे मेरे प्रभु शिव शंकर महादेव, जो इस महासंकट को हर कर सभी को रक्षित कर सकते थे। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। हम दुखियारों के दुख हरिए, हम दुखियारों के दुख हरिए भोले बाबा, हम दुखियारों के दुख हरिए भोले बाबा, हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमें बचाइए प्रभु, हमें प्राण दान दीजिए भोलेनाथ, प्रभु बस आप ही का आसरा है। शिव शंकर हमारी त्रास हरिए, शैले विष का पान करने से क्या माने पिताश्री को नहीं रोका लंकेश? उन्होंने प्रभु को रोकने का प्रयास तो अवश्य किया गौरी पुत्र, किंतु जब मेरे प्रभु ने उनके पतिव्रत और सदा सुहागन होने का विश्वास दिलाया तो फिर उन्होंने प्रभु के मार्ग को बाधित नहीं किया, और फिर अगले ही पल जगत कल्याण हेतु प्रभु शिव शंकर शंभु ने उस हलाहल विष को ग्रहण करना आरम्भ कर दिया। Oh,
कदाचित ये एक अत्यंत ही दिव्य और परमार्थ से जुड़ी घटना थी, प्रभु महादेव द्वारा हलाहल विष का पान कर लेना। किंतु जब माँ को अपने सुहागन होने और अपने पतिव्रत धर्म पर पूर्ण विश्वास था, तो उन्होंने पिताश्री को हलाहल विष का पान करने से अचानक क्यों रोक दिया? लंकेश, आप तो ज्ञान के सागर हैं, इसलिए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर तो आपको स्वयं ज्ञात है। और जो ओम ज्ञानाय नमः, ओम विज्ञानाय नमः के जाप से आपका स्मरण करते हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में वो भी सबसे श्रेष्ठ रहते हैं। तो ज्ञान दाता ज्ञानाय गौरी पुत्र गणेश, इस प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं ही दीजिए। उचित है लंकेश, किंतु मुझे इस पर विचार करने का तनिक अवकाश दीजिए। सृष्टि प्रभु महादेव के भीतर ही समाहित है, जो हमें उनके बाहर दिखाई देता है वो सब वास्तव में उनके अंतर में ही स्थित है। इसलिए माँ ने पिताश्री के कंठ के नीचे हाथ रखकर जिस हलाहल विष का उन्होंने पान किया था उसे वहीं रोक दिया। जिससे उनके उदर में उतर कर उस विनाशकारी विष का विस्तार समस्त सृष्टि में ना हो जाए। और इसलिए अपने कंठ में हलाहल विष को धारण करने वाले प्रभु महादेव नीलकंठ भी कहलाए। नीलकंठ महादेव, आपके इस महात्याग के लिए आपको कोटि कोटि नमन। हे प्रभु महादेव, हे कृपा निधान, आपने हलाहल विष रूपी महाविनाशक संकट को स्वयं पर लेकर इस जगत की रक्षा की है। सृष्टि धन्य हुई प्रभु आपके इस दिव्य त्याग से। हे नीलकंठ महादेव, प्रभु नीलकंठ महादेव की जय। हाँ गौरी पुत्र, इसी प्रकार समस्त सृष्टि को हलाहल विष से रक्षित कर मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु महान नीलकंठ महादेव भी बने। लंकेश, एक और जगत के पालनहार
श्रीहरि नारायण ने अपनी पृष्ठ को विशालकाय मंदार पर्वत जैसी मथनी का आधार बनाकर इतना कष्ट सहा, तो दूसरी ओर जगत पिता नीलकंठ महादेव ने अपने कंठ में हलाहल विष को स्थित करने का कष्ट उठाया। अर्थात दोनों प्रभु जगत कल्याण हेतु कितना त्याग कर रहे थे ना लंकेश। किंतु गौरी पुत्र, मेरे प्रभु महादेव शिवशंकर शंभु से श्री हरि नारायण की तुलना भला कहां संभव है, क्योंकि वो विष आज तक मेरे प्रभु शिवशंकर शंभु के कंठ में ही है। अर्थात संसार को विनाशकारी कष्ट से रक्षित करने हेतु प्रभु तो सदैव जगत की रक्षा एवं पालन करने का कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। यही तो स्वयं ईश्वर का अनुशासन है, उनका दायित्व है। फिर वो ईश्वर ब्रह्मदेव, नारायण अथवा महेश्वर ही क्यों ना हो, किंतु लंकेश अन्य सभी अवतारों के समान अपने नीलकंठ स्वरूप से भी महादेव ने जगत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख प्रदान की कि कभी कभी नकारात्मक विनाशक शक्तियों को प्रभावहीन करने का एकमात्र उपाय है कि जहां वो स्थित है उन्हें वहीं सीमित करना, जिससे वो विस्तार ही ना कर सके। फिर वो अत्यंत विनाशक विष हलाहल ही क्यों ना हो। आपने सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र, किंतु लंकेश पुनः सागर मंथन की कथा पर लौटकर मुझे आगे की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। क्या उस मंथन के परिणाम स्वरूप अब माता लक्ष्मी सागर से उत्सर्जित हुई अथवा अमृत कलश? अमृत की प्रतीक्षा तो सुर और असुर दोनों को ही थी। किंतु जिस प्रकार बुद्धि का मंथन करने पर सर्वप्रथम उसमें हानिकारक विचार प्रकट होते हैं, जिन्हें नकारने पर उनसे उत्तम और अंत में हम सर्वश्रेष्ठ विचारों तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार सागर मंथन के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम हलाहल विष उत्पन्न हुआ। फिर कुछ शेष निधियां, किंतु सागर द्वारा श्रेष्ठतम निधियों का उत्सर्जन अभी शेष था, तो इस क्रम में हलाहल विष के उपरांत कुछ अमूल्य नग आदि प्रकट हुए, जिन्हें देवताओं और असुरों ने बांट लिया। हे प्रकट हुई माता कामधेनु, वो दिव्य गौ माता जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। प्रणाम माता कामधेनु। प्रणाम कामधेनु माता। माता कामधेनु को ऋषि मुनियों को प्रदान किया गया, जिससे उसके दुग्ध से उत्पन्न घृत का यज्ञ एवं अन्य धर्म कर्म की विधियों में उपयोग हो सके। जय श्री हरि नारायण। उसके उपरांत सर्वाधिक मूल्यवान रत्न कौस्तुभ मणि का उत्सर्जन हुआ। श्री हरि नारायण ने सागर मंथन में जो सहायता की थी, उसके लिए उन्हें कौस्तुभ रत्न प्रदान किया गया। और आपको तो ज्ञात ही है गौरी पुत्र, मेरे प्रभु शिवशंकर शंभु तो इन मूल्यवान निधियों से दूर ही रहते हैं। तो जब वो समस्त निधियाँ ऋषियों और देवताओं के मध्य बांटी जा रही थी, तो क्या असुरों को अपने तिरस्कार का अनुभव नहीं हो रहा था लंकेश? नहीं गौरी पुत्र, असुरों को शांत रखने के लिए उन्हें भी तो मंथन से प्राप्त हुए कई रत्न आदि दिए जा चुके थे, किंतु
वो तो श्रेष्ठतम निधि की प्रतीक्षा में ही स्वयं को संयमित रखे हुए थे। और अब सागर ने जिसका उत्सर्जन किया, उसने तत्काल असुरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और वो थी मदिरा धारण किए हुए देवी वारुणी। और फिर जैसे ही असुरों ने उन्हें देखा, उन्होंने उस पर अपना अधिकार घोषित करना आरंभ कर दिया। महाराज, ये सुंदरी तो हम असुरों को ही प्राप्त होनी चाहिए। हाँ हाँ महाराज, हमारा होगा। महाराज, देवी वारुणी और उनकी सुरा का स्वामित्व हम असुरों का होगा। इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। कुवृत्तियां जिनका स्वभाव है, वो असुर मादक सुरा के प्रति आकर्षित हुए, किंतु सुरापान तो पंच महापापों में से एक है, जो उसका पान करने वाले का जीवन ही नहीं, अपितु उस पर निर्भर उसके परिजनों के जीवन को भी नष्ट कर देती है। गौरीपुत्र, सुरा के उपरांत जो निधियां प्राप्त हुईं, वो इस प्रकार हैं। फिर दिव्य पुष्प प्रदान करने वाले पारिजात वृक्ष उत्सर्जित हुए, जिनकी कोंपने न कभी कमलाती हैं और ना ही मुरझाती हैं। पारिजात वृक्ष देवराज इंद्र को प्राप्त हुए और इंद्रलोक में स्थित किए गए। फिर प्रकट हुए दिव्य कल्प वृक्ष, जो किसी भी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। देवता ही उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी बने और कल्प वृक्ष को भी स्वर्ग में ही स्थित किया गया। फिर देवराज इंद्र के वाहन महान गज ऐरावत उत्सर्जित हुए, जिन्हें प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप के उपरांत देवराज खो चुके थे। ऐरावत के पश्चात एक अन्य दिव्य पशु उच्च श्रवा उत्सर्जित हुए, और तब असुरों की बढ़ती अधीरता का ध्यान कर देवराज इंद्र ने उच्च श्रवा को असुरराज बलि को भेंट कर दिया। देवराज इंद्र किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहते थे? नहीं गौरीपुत्र, जहां तक मेरा अनुमान है, इंद्र तो भयभीत थे कि कहीं इस बार अमृत ही न उत्सर्जित हो जाए और असुर उस पर अपना अधिकार न मांग लें। किंतु फिर सागर ने किसे प्रकट किया लंकेश?
जो परमार्थी और दया के सागर होते हैं, वो भीषण से भीषण संकट आने पर भी संसार को कोई क्षति नहीं पहुंचने देते। और फिर वो क्षण आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा असुरों और देवताओं को बड़ी आतुरता से थी। देवताओं, बताओ हमें अमृत कलश कहाँ गया? तुमने क्या किया अमृत कलश के साथ? दोनों देवता और असुर समूह एक दूसरे पर आरोप थोप रहे थे, जिसके कारण देवासुर संग्राम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।